दोस्तों आज की कहानी है शियार और जादुई ढोल। दोस्तों एक समय की बात है जब एक जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के एक दिन बाद तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाए जाने वाला ढोल लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ के पास जाकर अटक जाता है। जब भी तेज हवा चलती है और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती है तो ढमाढम की आवाज़ आने लगती थी। उसी जंगल में एक शियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नज़र गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है। शियार उस शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। जब वह खरगोश पर झपटा मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से शियार गाजर को मुंह से बाहर निकालकर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। वह ढोल की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। शियार उस ओर जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो ढम की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर शियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ की आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने पहले कभी किसी जानवर की ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जहाँ से ढोल की आवाज़ आ रही थी। शियार उस ओर जाता है और ये जानने की कोशिश करता है कि जानवर उड़ने वाला है या चलने वाला। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है तो ढम की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर शियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है कि कुछ मिनट बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से ढम की आवाज़ आती है और फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है। लेकिन इस बार वह वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है। ढोल में किसी भी तरह की हलचल ना होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं। फिर वह ढोल पर कूद कर ढोल को बजाने लगता है। इससे ढोल हिलने लगता है और लुढ़कने भी लगता है, जिससे शियार ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच में से फट जाता है। ढोल के फटने पर उसमें विभिन्न तरह के स्वादिष्ट भोजन निकलते हैं, जिसे खाकर शियार अपनी भूख को शांत करता है। कहानी से सीख, शियार और ढोल की कहानी से ये सीख मिलती है कि हर किसी चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वो हमें तय समय पर मिल ही जाता है। ऑलवेज बी हैप्पी फ्रेंड, हमेशा खुश रहो। गुड मैसेज ट्यूबर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें और मुझे बताएं कि आपको किस टाइप की वीडियो अच्छी लगती है। कमेंट और लाइक शेयर। ओके दोस्तों, हैव अ नाइस डे।